वेलकम बैक टू माय चैनल द अदर साइड ऑफ के एपिसोड नंबर आई डोंट नो व्हाट ऑफ फैशन विद के। ये क्या इंट्रोडक्शन है मेरा कि वेलकम बैक टू माय चैनल विद अदर साइड ऑफ के। अच्छा एपिसोड नंबर ऑफ व्हाटएवर विद फैशन विद के क्या है? इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को इंसान करता है मुझे पता नहीं गाइस। मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स इट, पर नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड। तो छोड़ो गाइस, तो आज आपको टाइटल हमने ऐसे पता चल गया होगा कि मेरे मंगाए हैं फंबल जो मैं ये करती हूँ व्यूवर्स से जो मैं डरती हूँ आगे तुम बना लेना कमेंट में आने ना। तो मैंने मंगाया गाइस मीशो से बहुत सारे पर्स हैंड बैग, अभी ये नहीं है सर और भी है, वेट कर लोगे सारे दिखाऊंगी इकट्ठे कुछ हो जाए सब दिखाऊंगी इकट्ठे। हैंड बैग्स मीशो से, मेरी हुडी गंदी हो इससे पहले से कर देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन हैंड बैग्स के लिए। सो फर्स्ट बैग ओपन करते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज बहुत सारे पर्स हैं तो हमें टाइम लगेगा। सो गाइज इस पर्स का प्राइस है 275 रुपीज एंड लुक एट दिस 275 में आई बढ़िया। इसकी क्वालिटी देखो कितनी अच्छी है और चेन है इसके अंदर बेज कलर का मैंने मंगाया, मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सो इसमें हमें अंदर मिलती हैं ऐसे पन्नियां भरी हुई वो इग्नोर करेंगे। हमें इसमें दो कंपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, एक ये और बीच में एक चेन वाला भी है पॉकेट, परफेक्ट। और इसकी चेन मेरे ख्याल में और बड़ी हो सकती है, हम चेन को ऐसे भी कर सकते हैं इतना लंबा या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये देखो 10x10 क्योंकि इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। सो नेक्स्ट बैग है पता नहीं कितने का गाइस, इधर आपको ऑब्वियसली प्राइस दिख जाएंगे। तो ये मैंने मंगाया था एक ब्लैक कलर और इसकी क्वालिटी बहुत गंदी है बहुत गंदी। ये क्या केरोसिन में से डुबो के दिए उन्होंने, पॉलिश की आ रही होगी जो इन पे पॉलिश हुई होगी ना, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है गाइस, रेक्सीन होती है ना वैसे है। सो ये कुछ ऐसा है दिखने में, अगर तुम्हें मंगाना है तो मंगा सकते हो आई गेस। ये बहुत चीप होगा, कंपार्टमेंट नहीं है बस ऐसी पूरी एक पॉकेट है, बस आपको एक नॉर्मल ये ऐसा बैग मिलेगा। सो मैं इसको मार्क्स दूंगी 10 में से 5, सारा कूड़ा पीछे इकट्ठा कर रही हूँ, वाओ बहुत समझदार हूँ। सो गाइज ये है 270, हाँ 270 का आएगी सर, 230 का इसमें ना अच्छे से दिख नहीं रहा, वो नाइस अच्छा है बढ़िया लग रहा है। ये देखो एक तो एक गोल्डन चेन है इसमें काफी अच्छी क्वालिटी की, एक ये और ऐसा बैग है गाइस, और इसमें चेन है अंदर। लेट्स सी, हमें इसमें एक पॉकेट मिल जाती है, बस एक ही मिलती है इसके अंदर और कुछ चेन है नहीं इधर कहीं पे भी। सो यस मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, पार्टी वेयर है काफी, और मैं इसको 10 में से 8 मार्क्स दूंगी। मैंने दो क्यों काटे वैसे, 10x10 ही लग रहा है ये नहीं, मैं इसको 10 में से 10 ही दूंगी। हम इसको चाहे तो हम इसको ऐसे भी टांग सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे भी नहीं रखना तो इसको ऐसे करो। और इसमें यहाँ पे ये भी दिया हुआ है गाइस, इसको क्या बोलते हैं यार, कि अगर आपको ये वाली चेन नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर सकते हो ऐसे, तो ये पर्स पूरा ऐसे लगेगा फिर। तो या इट लुक्स गुड 10x10। नेक्स्ट बैग की बारी, सो गाइस नेक्स्ट बैग है हमारा 175 रुपीज ओनली। वो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने ज्यादा ब्लैक बैग मंगा लिए, सो क्यूट लुक एट दिस, मुझे तो काफी सुंदर लग रहा है। ये देखो इसकी जो ये है ना स्ट्रैप, ये काफी लंबी है तो हम इसको ऐसे करके भी पहन सकते हैं एंड इट विल लुक गुड ऐसे। और ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे पर्ल्स लगे हुए हैं और कलर्स भी नहीं निकले हुए इनके, काफी अच्छी कंडीशन में बैग है और 175 रुपीज में 10x10।
मैं तो कहूंगी ले लो। अच्छा ऐसे हैंग नहीं कर सकते इसको, और ये इलास्टिक नहीं है गाइस, सो लाइक दिस ओनली। नेक्स्ट बैग है हमारा 248 रुपीज का, एंड लाइक सी मैंने मतलब 200-300 के नीचे ही मंगाए हैं शुरुआत में, कि देखते हैं कि कैसे आते हैं। अब हम ड्यूप्स भी मंगाएंगे जो एलवी के होते हैं, डियोर के होते हैं। ये अलग कलर है, वाओ ये मुझे ना काफी आई कैचिंग लगा था, ये वाला बैग मुझे काफी आई कैचिंग लगा था, और ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट सा है। देखना कितना क्यूट लग रहा है। इसमें यहाँ पे पॉकेट्स हैं, किसी खुलती होंगी नहीं, खुलती नहीं है। रॉयल चार्ल्स, अरे यार इस पे लिखा है रॉयल चार्ल्स बट दूर से नहीं दिखेगा, और खुलेगा कैसे गाइस, शर्ट ओपन करनी है हमें ऐसे, उसके बाद अच्छा ये ऐसे बीच में से निकलेगी। अब इसको ऐसे हैंग करेंगे, लुक्स नाइस यार, अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट है। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसकी चेन कैसे खुलेगी। ओह मैं बहुत डम्ब हूं, ये ऐसे खुलेगा गाइस, ऐसे ऐसे। यहाँ पे इसकी दो हमें वो दी हुई है चेन्स, दो पॉकेट है मतलब इसमें, अच्छा लग रहा है। और ये ऐसे होगा, ऐसे यार मैं डम्ब हूँ थोड़ी सी, सॉरी गाइस, सी अरे अच्छा लग रहा है। चेन इस कपड़े पहना देते हैं, पर्स को उसकी शर्ट पहना दो। 240 रुपीज में अच्छा लग रहा है, हम ले सकते हैं। तीन पॉकेट मिली, खराब है ये, हाँ खराब है ये देखो, ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक हो गई ठीक हो गई। नेक्स्ट बैग की तरफ चलते हैं। अगर तुम्हें ऐसे वाले बैग्स का हॉल चाहिए तो मुझे बताना, उस पर बहुत ऊट पटांग बैग्स भी हैं जिनका हम हॉल वीडियो बना सकते हैं। नेक्स्ट बैग है, प्राइस नहीं लिखा, हम मेंशन कर देंगे, ब्लैक कलर में, और बहुत प्रिटी, बहुत प्रिटी। 10/10 देना चाहूंगी क्योंकि बहुत बड़ा बैग है, काफ़ी सामान, क्योंकि मुझे नहीं बड़े वाले बैग अच्छे लगते। मैं नॉर्मल हैंड बैग नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा कहीं जाना होता है ट्रैवल पे तो बड़े बैग में सारा मेकअप भर लिया सब कुछ, तो इसमें प्रॉपरली तुम्हारा मेकअप आ सकता है। और ऐसे ये ओपन होएगा ऐसे, बट इसके अंदर चेन नहीं है गाइस, ये देखो अंदर सिर्फ ऐसे है खाली, तो वो तुम देख के मंगा लेना, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लुक्स नाइस। नेक्स्ट है हमारा 214 रुपए का, तो देखते हैं कि कैसा निकलेगा कैसा नहीं। इट्स इन ब्राउन कलर, क्यूट, कितना छोटू सा क्यूट सा। पीछे आपको एक पॉकेट मिलेगी, इधर दो पॉकेट्स मिलेगी, एक इधर एक इधर, और सिर्फ यही है इसके अंदर चेन, और कोई चेन नहीं है, तो हम इसको सिर्फ ऐसे ही कैरी कर सकते हैं या फिर ऐसे। अच्छा लग रहा है मुझे, बट इसका स्टफ थोड़ा अच्छा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्रैक्स आए हुए हैं, अगर तुम्हें दिख रहे होंगे ये देखो बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं इस बैग पे, आगे भी ये रहे। सो 10/5 ही दूंगी मैं इसको, ज़्यादा नहीं दूंगी बिकॉज ठीक ठीक है, नॉट सो गुड। नेक्स्ट है, प्राइस नहीं लिखा है, बट एक ही पैकेट में दो बैग हैं, एक है वाइट कलर का जो कि काफी सही लग रहा है, हम इसको ऐसे ही पहन सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे बैग्स पहनने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, सो लाइक दिस आउच। और इसमें एक पॉकेट है सिर्फ, चेन पे कुछ आपको झुमरी तलैया टंगी दिख जाएंगी, वो चेन बहुत बेकार है, खुल नहीं रहा, काफी टाइट चेन है, या तो इसके अंदर ये जो रैपर घुसे हुए हैं ना इनकी वजह से टाइट हो रखी है, बाकी चेन्स आर वे टू टाइट, बंद भी नहीं हो रहा। बर्बरी लिखा है इस पे, वाओ। सो गाइस दूसरा भी सेम है इन ब्लैक कलर्स,
सो आई गेस मुझे ओपन नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स टोटली सेम और इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इन दो की, बाकी सब बहुत अच्छे थे उस प्राइस में, वर्थ इट थे, बट ये मत लेना, ये मुझे अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे सजेस्ट कर दो और किस चीज पे हॉल वीडियोज बनाऊ। जो जो तुम सजेशन देते हो मैं उस दिन वही सेम ऑर्डर कर देती हूँ। और बैग्स का मुझे काफी लोगों ने लिखा था तो मैंने हैंड बैग्स मंगाए। हम और भी तरह के हैंड बैग्स मंगा सकते हैं, ये थे नॉर्मल कैजुअल वेयर्स, अब मैं पार्टी वेयर भी मंगाऊंगी जो हम पार्टी में कैरी कर सकते हैं। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी शूज पे, मैंने मीशो से बहुत सारे शूज मंगाए हैं तो परसों देखना मत भूलना। और उसके बाद आएगी विंटर शॉल्स पे जो कि गर्ल्स कैरी कर सकते हैं, जो बहुत सुंदर लगेंगे, और गर्ल्स भी और जो बड़े लोग हैं वो भी कैरी कर सकते हैं, जैसे मेरी मम्मा हो गए, आप लोगों की मम्मा हो गए या कोई भी, तो वो लोग कैरी कर सकते हैं अच्छे से। सो यस, लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।